सुखबीर बादल दे 13 चुनावी ऐलान, सरकार बनन ते 400 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त, खेती लई डीजल ते वैट 10 रुपए कटौन, ठेका मुलाजम ते सफाई मुलाजमां नूं पक्का करन दा दित्ता भरोसा, कांग्रेस वल्लों राजकुमार वीरका ने कस्या तंज। पठानकोट च भारतीय फौज का हैलीकॉप्टर हादसा ग्रस्त, रणजीत सागर डैम च डिगे हैलीकॉप्टर च सवार पायलट और को पायलट लापता, ममून कैंप तो रूटीन फ्लाइंग लई भरी सी उड़ान। मुड़ उठा करतारपुर कोरीडोर खोलन का मुद्दा, गुरजीत औजला ने की मंग, भारत सरकार ने लोकसभा च दिता जवाब, पाकिस्तान ने कोरोना करके लाया होया बैन। दलित और पिछड़े समाज के लीडर मुख्यमंत्री नाल मिलन जाएंगे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू, चंडीगढ़ च मंगलवार को हुई बैठक च नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी लीडर तो लिखत च लिया शिकायतां ते मंगां। सीबीएसई ने ऐलानिया 10वीं क्लास का नतीजा, 99.4% जो रिजल्ट, 80% अंक बाहरी ते 20% अंक अंदरूनी मुलांकन प्रक्रिया तहत दिते। चोणा की रुत है, इसलिए सियासी वादियां की झड़ी भी खूब लगी हुई है, नित दिन कोई ना कोई सियासी धिर ऐलान करती है। तो हुण ऐलान किया सुखबीर सिंह बादल ने, 13 चुनावी ऐलान कर दिए गए ने, जिन्हां दे विच बिजली का मुद्दा होए, किसानी का मुद्दा होए या फिर पिछड़े वर्गों नाल जुड़े हुए मसले होण, अजिहा कोई वर्ग नहीं छड्डिया गया जिसनूं लुभाउण की कोशिश ना हुई होवे, पर उधर दूजियां विरोधी धिरां इन्हां वादियां ते तंज कस रहियां ने। किसानी नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा वैट है खेती वास्ते, ट्रैक्टर वास्ते, डीजल वास्ते 10 रुपये पर लीटर असीं सस्ता करांगे। सब तो औखा काम करते हैं सफाई कर्मचारी करते हैं, पिछली बार भी असीं रेगुलराइज किए सी, हुण फिर तो इन्होंने टैंपरी करते, असीं सारे सफाई कर्मचारी फिर तो रेगुलराइज करांगे। 400 यूनिट साढ़े सारे सारे वास्ते फ्री होंगे, पहले 400 यूनिट ते आम आदमी पार्टी नूं नहीं कि एक यूनिट बढ़ गया तो सारे 400 दे होणगे, असी जो कहा 400 यूनिट फ्री होणगे। जिहनूं कहिंदे कि पल्ले ना सेर आटा ते हिनकी दा संघ पाटा, पल्ले कुछ गल नहीं, ना कोई गल ना कोई बात, एवें कही जांदा। चोणा दी रुत है, इसे लई वादियां दी झड़ी लगनी लाजमी है। मानसून च वादियां दा मीह वरारे ने अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल, हर वोटर नूं साधन दे लई 13 पॉइंट वाला खाका तैयार कीता है। सुखबीर बादल दे वल्लों 13 चुनावी ऐलान कीते गए ने, जिन्हां दे विच सब तो पहला ए कि पंजाब च घरेलू उपभोक्तावां नूं 400 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, छोटे उद्योगां नूं 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलिया करेगी, खेती लई डीजल ते वैट 10 रुपए तक कटाया जाएगा, दुध सब्जियां ते फलां ते भी MSP मिलेगी, पंजाब दे ठेका मुलाजम ते सफाई मुलाजमां नूं भी पक्का कीता जाएगा। श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनन ते 5 सालां च 1 लाख सरकारी नौकरियां देण दा भी वादा कीता गया। हर जिले दे अंदर 500 बैड दा मैडिकल कॉलेज बनाउण ते वड्डे सिक्ख्यक अदारियां दे विच 33% सीटां सरकारी स्कूल दे विद्यार्थियां लई राखवियां रखण दा भरोसा दित्ता है। सरकारी नौकरियां दे दौरान 50% सीटां महिलावां लई राखवियां रखण दा भी वादा कीता गया है। विद्यार्थियों नूं पढ़न दे लई 10 लाख दा बिना व्याज वाला कर्जा देण दा भी ऐलान है। पंजाब च 75% रुजगारां दे विच पंजाबियां लई राखवांकरण होएगा। 10 लाख प्रति साल दी सेहत बीमा योजना भी, 1 साल दे अंदर पंजाब सरकार 100% ऑनलाइन सेवावां भी देण लगेगी, इह भरोसा भी सुखबीर बादल ने दित्ता है। नीले कार्ड धारक परिवारां दी मुखी जेकर महिला है तो उसनूं 2000 रुपए की माली मदद हर महीने मिलेगी। इन्हां 13 ऐलानां दे विच सब तो अहम खेती ते किसानी दा मसला है। इस बार सूबे दे विच सब तो वध पख्या भी होया, इसे लिए अकाली दल ने भी 3 ऐलान सिर्फ खेती खेते लई कीते ने। किसानी नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा वैट है खेती वास्ते, ट्रैक्टर वास्ते, डीजल वास्ते 10 रुपए पर लीटर असीं सस्ता करांगे, 10 रुपए लीटर ट्रैक्टर वास्ते ते खेती वास्ते जिहड़ा होगा। जदों अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया सी तां अकाली दल ने तंज कसिया, पर हुण खुद 400 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली का वादा कर रहे ने। अनाउंस कर रहे हैं 400 यूनिट साढ़े सारे सारे वास्ते फ्री होंगे, पहले 400 यूनिट ते आम आदमी पार्टी नूं नहीं कि एक यूनिट बढ़ गया तो सारे 400 दे होणगे, असीं जो कहा 400 यूनिट फ्री होंगे, तो नाले जिहड़े बेचारे गरीब है, मैं पिंडां च गया जिन्हां दे मीटरी पट्टे गए, नीले कार्ड होल्डर है, उन्हां नूं वन टाइम असीं सारी माफ़ी दे के उन्हां दी फिर तो कनैक्शन रिस्टोर करके, तो असीं उन्हां नूं फिर तो पावर
उन्होंने घर फिर तो बचावे जिन्होंने घर अज पावर बंद है। सुखबीर सिंह बादल कोले पंजाब दियां सड़कां ते मुजारे कर रहे मुलाजमान लई भी एक भरोसा है। उन्होंने पे कमीशन रिपोर्ट आई है, इंपलॉयज क्यों सड़कां ते है, क्योंकि जो सैलरी मिलनी सी वो उन्होंने घटाती है। साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने जिन्हें भी पे कमीशन होया असीं इंश्योर किया पूरे हिंदुस्तान में सब तो वध सैलरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नालों भी ज़्यादा, ये सब तो वध सैलरीज है वो पंजाब के गवर्नमेंट इंपलॉयज की है, वो साहब प्रकाश सिंह बादल की सोच करके है। तो मैं आई कहना चाहना इंप्लीमेंट असी जो पे कमीशन की नॉर्मलीज है जो हम प्रॉब्लम है इन्होंने कुछ नहीं करना, थोड़ी सरकार आते असी फैसला करा तो जोड़े कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है तो जो सफाई कर्मचारी जो इन्ने साल तो बेचारे अपने शहर में सब तो औखा काम करते हैं सफाई कर्मचारी करते हैं, पिछली बार भी असी रेगुलराइज किए हूँ फिर तो इन्होंने टेंपरी करते असी सारे सफाई कर्मचारी फिर तो रेगुलराइज करा। विरोधी धिर ऐलान कर रही ने ते सवाल सत्ता धिर ते भी उठे ने, पर खुद वादा खिलाफी के इल्जाम घिरी कांग्रेस अकाली दल के पड़ोसियों से तंज कस रही है। पहले कहता ही मोदी साहब मैं मोदी नरेंद्र मोदी के कोलों ट्रक भर के नोटा का पंजाब वाले थोड़े तो वास्ते लैके आवांगा, तो ट्रक कदा आ गया चिट्टे का भुकी का फीम का गांजे का वो ट्रक आया ना, तो हूँ आ जिन्या को डींगा मारदा फिरदा ही ना। लोग कहते कि सुखबीर बादल आ बाबा गपोड़ संखी सब तो बड़िया गप्पा मारन वाला कॉम्पीटिशन चलता ही जरा केजरीवाल है ना, केजरीवाल कहता कि मैं झूठिया का बड़ा सरदार, ये कहता सुखबीर बादल मैं झूठिया का उस्ताद, हूँ उस्ताद तो सरदार दे विच हूँ कॉम्पीटिशन चल रहा है। लेकिन मैं तुहानू एक गल साफ तो सीधी कह दा, ये नखेद बंदे ही नलायक बंदे ही, तो ये 2022 के वास्ते जिन्हें भी मंगेरी लाल के सुपने दिखा रहे हैं ये सुपने हसीन सुपने सिर्फ ख्वाबां दे विच है, जमीन दे विच ये ना उतरे ना उतरने। हुण पंजाब विच विधानसभा चोणां सिरते ने, किसान अंदोलन करके पिंडां दा माहौल बदलिया, महंगी बिजली ने लोक सताए हुए ने, मुलाजम कई महीनों तो सड़कां ते बैठे ने, अजिहे च लगभग सारियां ही राजनीतिक पार्टियां तो लोग खुश नहीं, पर इन्हां मुद्दियां ते ऐलानां दे जरिए हुण अकाली दल वोटरां दी नब्ज टोण दी कोशिश कर रहा है। इतने रुकते एक छोटे जे ब्रेक दे लई, पर ब्रेक दे उस पार दसांगे कि करतारपुर का लांघा खोलन दे बाबत भारत सरकार ने संसद दे विच की दिता है जवाब। पंजाब के पठानकोट दे विचो अज एक माड़ी खबर आई, क्योंकि भारतीय फौज का हैलीकॉप्टर हादसा ग्रस्त होकर रणजीत सागर डैम दे विच डिग गया अते दो अफसर जो इस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सन अजे भी लापता ने, राहत ते बचाव कार्य जारी ने। तीन अगस्त की सवेरे भारतीय सेना का हैलीकॉप्टर पठानकोट नेड़े रणजीत सागर डैम की झील च जड़ गया। हैलीकॉप्टर ने मामून छाउनी तो सवेरे 10:20 से उड़ान भरी सी। 10:30 के करीब हैलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम की झील उपर उलंघ रहा सी। इस दौरान हादसा वापर गया और हैलीकॉप्टर झील च जड़ गया। लैफ्टिनेंट कर्नल AS भाट और कैप्टन जयंत जोशी सवार सन। अभी तो आर्मी की स्पेशलाइज टीम्स आई हुई हैं और जैसे चॉपर जहां पे गिरा है ऐसे लगता है कि वहां पे आपको डीप वाटर डाइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इसमें कोई लोग हैं इसमें पायलट और बाकी लोग हैं तो वो आपको डीप वाटर में जाके ही चेक करके वेरीफाई हो पाएगा कि क्या इसमें कोई आदमी थे या रेस्क्यू या वो पहले वो हो गए हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको।
क्रैश होने तो 10 मिनट पहला मामून छावनी तो हैलीकॉप्टर ने उड़ान भरी सी। अधिकारियों का कहना है कि जो ये कंट्रोल गुआ बैठा तो डैम च डिग गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी, एनडीआरएफ, पुलिस, जेएंडके पुलिस, पंजाब पुलिस, सभी लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। डैम की जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे सारे, तो आर फोकस इज ऑन दी रेस्क्यू ओनली। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हम बाद में आपको अपडेट कर पाएंगे क्या चीज़ें हैं, एंड इन दी डिटेल्ड वर्जन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम दी आर्मी कंसर्न ऑफिशियल। हादसा रणजीत सागर डैम के पिछे साइड च होया है। ये पहाड़ी इलाका है। स्थानक लोगों मुताबक हैलीकॉप्टर काफ़ी हेठा उड़ रहा सी। इतने ना ये रणजीत सागर डैम की झील है, तो एक जहाज आया आर्मी का, वो बड़ा ही नीवा आ रहा है, तो इतने आ गया ना पानी के पै गया। तो इतने के लोकल जोड़े लोग है उन्होंने देखा, तो उन्होंने जिन्हें भी इतने अपने SHO साहब ने ज जोड़ा भी डिपार्टमेंट है उन्होंने तुरंत खबर देती, तो सारी टीम उत्थे पुज गई है, तो बाकी उन्होंने हले तक कोई पता नहीं कितने कितने नहीं। करतारपुर लांघा मुड़ तो खोलिया जाए, यह मुद्दा संसद के भी उठा, तो भारत सरकार ने लोग सभा के जवाब देंदे हुए गेंद पाकिस्तान के पाले के सुट दिती। ये जवाब दिता गया कि कोरोना करके पाकिस्तान के वलों संगत पर पाबंदी लाई गई है, पर हूँ लगातार मंग हो रही है कि जल्द तो जल्द ये लांघा खोलिया जाए, क्योंकि देश भर के होर धार्मिक स्थान भी खोल दिते गए हैं। बाबे दे दर नू जाण वाले राह ते सुन पसरी है, पर ये रास्ता मुड़ तो संगत नाल गुलजार होवे, इसे लई सवाल संसद च वी उठिया कि लांघा फिर तो खोलिया जाए। कांग्रेस दे अमृतसर तो MP गुरजीत सिंह औजला ने सरकार तो मंग की थी कि गुरु घर नू जाण वाला राह फिर खोलिया जाए। साडी मंग यही है कि कोरीडोर जिहड़ा बाकी भी धार्मिक स्थान चल रहे ने उत्थे भी खोलिया जाए, क्योंकि इन्ना वड्डा जिहड़ा धार्मिक स्थान है साडा, सारी मनुखता दा गुरु नानक देव जी नूं सारे बहुत प्यार करदे ने, बहुत लोग जाना लोचदे ने जिद्दां बाकी धर्म स्थानां ते जा रहे ने उत्थे भी जाना चाहुंदे ने। सो सरकार तों असीं मंग रखी है कि जे बाकी सारा कुछ चल रहा, जिथे जरूरत है हवाई जहाज चल रहे ने, जिथे जरूरत है उत्थे असीं रस्ते जाण नूं खोल रहे हां, कई विदेशी देशों च भी जाना आना साडा है, असीं ते बिल्कुल पैदल जाना है, कुछ पाकिस्तान सरकार ने गल करके कोई विचला रस्ता कढ़न ताकि रस्ता जिहड़ा करतारपुर साहब कोरीडोर है खुल सके। आ इंडिया च ज़्यादा रश है, बसा सारिया फुल जा रही, मैट्रो सारी फुल जा रही है, इतने थर्ड वेव नहीं होनी। थर्ड वेव तो फिर सारे लिए प्रोटोकॉल एक ही होना चाहिए ना, सिर्फ एक धार्मिक स्थान नू लेके नहीं ना होना चाहिए। इस सवाल के जवाब च लोग सभा च केंद्रीय राजमंत्री वालों लिखित च जवाब दिता गया, लांघा बंद रखने वाली गेंद पाकिस्तान के पाले च सुट दिती गई। जवाब दे विच आख्या गया कि करतारपुर कोरीडोर जरिए संगत की आवाजाई मार्च 2020 कोरोना महामारी करके रोकी गई सी, पर उस तो अगां अप्रैल 2021 तो पाकिस्तान नैशनल कमांड अते ऑपरेशन सेंटर ने भारत च वधे कोरोना केसां करके दोवां देशां दरमियान आवाजाई ते बैन लाया होया है। कोरीडोर शुरू होवे इसकी मांग लगातार पंजाब तो हर सियासी धिर ते सिख जथेबंदी वालों की जा रही है। SGPC प्रधान जागीर कौर ने भी सरकार तो इस मसले प्रति गंभीरता दिखाने की अपील की सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार जिथे चिट्ठिया पत्रा राही बेनतियां कर रही है और बार बार बयान दे के भी उन्होंने जगाया जा रहा है, सुचेत किया जा रहा है कि जो तुम खोलिया सी लोगों च बड़ी खुशी सी, बड़ी श्रद्धा तो सत्कार के नाल संगत उत्थे पहुँचती सी, लेकिन कोविड का बहाना ला के इन्होंने बंद कर दिता। हुण तो बार बार असं बेनती कर रहे हैं, हुण भी असं चिट्ठी लिख रहे हैं कि हुण तो कोविड भी खत्म हो गया सारे, जे पाकिस्तान की सरकार नहीं डर तो साडे हिंदुस्तान के ज भारतीय सरकार क्यों डर है, क्योंकि हुण तो कोई किसी किस्म की गल नहीं ना, कोविड का खतरा कोविड के खतरे करके बंद किया। मैं समझती हाँ भी एक धक्का, ये भी एक जिस तरह लगता भी पहला ड्रामा ही किया कि लोगों को एक गुमराह करके उन्होंने अपने वालों दस दिता कि अभी बड़ी वड्डी गल की है, लेकिन अज बंद पिया उन्होंने छेती खोलना चाहिए। जदों नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने सन ता मंग पाकिस्तान वाले पास्यों भी आई सी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ना सिर्फ सिद्धू नूं वधाई दिती गई सगों एक ट्वीट भी किया गया, जिस विच लिखा सी
पीएसजी पीसी नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने ते विदाई दिंदी है। ये दुनिया भर के सिख भाईचारे लिए मान की गल है। पीएसजी पीसी यह भी मंग करती है कि सिद्धू मुड़ तो करतारपुर कोरीडोर खुलवाउण लई सार्थक कोशिश करनगे। पौनी सदी लग गई सी लांघे वाली अरदास पूरी होंच, पर कोरोना कारण चार महीनों लई ये राह सुखाला हो सकिया। 21 नवंबर 2018 नूं कोरीडोर बनाउण दा ऐलान होया सी। 22 नवंबर 2018 नूं भारत वल्लों केंद्रीय कैबिनेट च लांघे दा मता पास किया गया। 26 नवंबर 2018 नूं लांघे दा नींह पत्थर रख्या। 28 नवंबर 2018 नूं पाकिस्तान वाले पासे नींह पत्थर रख्या गया। 9 नवंबर 2019 नूं कोरीडोर का उद्घाटन हो गया। करतारपुर कोरीडोर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके खोलिया गया सी। गुरु साहब के 550वें प्रकाश पुरब मौके संगत ने दर्शन किए। बिना वीजा वाले दर्शनों की संगत को इजाजत दी गई सी। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਵਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਲਾਂਘੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜੋ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ। सीबीएसई दे वल्लों 10वीं क्लास का नतीजा भी ऐलान दिता गया है। 12वीं की तरह 10वीं क्लास का नतीजा भी शानदार आया। 99% तो वध विद्यार्थी इस बार पास होए ने। हालांकि कुछ विद्यार्थियों का नतीजा जिहड़ा प्रक्रिया के अधीन भी है। किस फॉर्मूले के तहत ऐलानिया गया नतीजा भी दिखाते इस रिपोर्ट दे विच, अते नाल इह भी दस दें कि किन्ने विद्यार्थी खुश ने अते किन्नियां नूं नाराजगी है। बिना इम्तिहान 99% विद्यार्थी पास। 12वीं क्लास की तरह सीबीएसई 10वीं क्लास का नतीजा भी शानदार आया है। पास फीसद 99 तो वध है। इस बार कोरोना करके प्रीख्या नहीं हुई सी, इसलिए हुण मुलांकण करके विद्यार्थियों नूं अंक दे अगलियां क्लासां दे विच प्रमोट कर दिता गया। सीबीएसई 10वीं जमात का नतीजा 99.4% रहा। कुड़ियों की पास फीसद मुंडिया मुकाबले 0.35% वध है। कुड़ियों का पास फीसद 99.24 है, जदों कि मुंडिया का पास फीसद 98.99 है। 21,13,767 विद्यार्थियों ने 10वीं क्लास लिए रजिस्टर किया। 20,97,128 विद्यार्थियों का नतीजा सीबीएसई वालों ऐलानिया गया, जदों कि 16,639 विद्यार्थी अजिहे भी ने जिन्हों का नतीजा अजे प्रक्रिया अधीन है। 2.76% विद्यार्थी अजिहे भी ने जिन्हों के अंक 95% तो वध रहे ने। 2 लाख तो वध विद्यार्थियों के अंक 90 से 95% के दरमियान ने। इस वरे मैरिट लिस्ट हालांकि जारी नहीं की जाएगी। जिस फॉर्मूले के आधार पर 10वीं क्लास का नतीजा ऐलानिया गया, उस 20% अंक अंदरूनी मुलांकण प्रक्रिया नाल दिते गए ने। स्कूलों वालों 80% अंक बाहरी मुलांकण प्रक्रिया से आधारित ने। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से बेस से लेते, थोड़े प्री बोर्ड के बेस से लेते, थोड़े मतलब पिछले के बेस से लेते, तो मेरे थोड़े मार्किंग मेरी कंसिस्टेंट सी, इसलिए मैं ज़्यादा कोई मतलब टेंशन नहीं सी, स्ट्रेस नहीं सी। इसलिए तो चलो हूँ ठीक रहा, बट बाकी बच्चों भी हूँ चांस दे रही है सीबीएसई उन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम्स दें दे। हाँ जी, स्टडी पैटर्न तो बिल्कुल ही बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब ऑनलाइन के सवेरे उठना, स्कूल आना, लगाना, चलो ठीक है, ये ऑनलाइन लगनी है, ऑनलाइन करके भी कई बार नैट अड़ जाना, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आदि सी। क्लासेस वक्री वक्री टाइमिंग्स होनी, पर यह बेनीफिट भी रहा कि उन्होंने ऑनलाइन फिर पढ़ाने बहुत हेल्प की है। उन्होंने ऑनलाइन इंटरैक्टिव तरीके पढ़ाया, उन्होंने वीडियोज़ ना पढ़ाया, सो ए डिसएडवांटेजेस भी रहे पर बेनीफिट्स भी है काफ़ी। जे साडे मतलब पेपर होंगे तो मे बी आप ज़्यादा भी ले सकते सी, पर चलो साडे स्कूल वाले ने साडे लिए बहुत मेहनत की है, साडे पेपर कंडक्ट किए, ऑनलाइन क्लासा लीतियाँ। 4 मई 2021 तो शुरू होने वाली प्रीख्यावां कोरोना करके रद्द कर दित्तियां गईयां सन। कोरोना करके ऑनलाइन पढ़ाई हुई जो वड्डा अड़िका सी। विद्यार्थियों लई ऑनलाइन पढ़ाई परेशानी का सबब रही है, पर महामारी च होर कोई बदल भी मौजूद नहीं सी। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया था तो मतलब बहुत डिफिकल्टीज थी, बट हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट ने बहुत हेल्प की हमारी। मतलब ऑनलाइन भी मतलब बहुत अच्छा समझाया, सब कुछ समझ आया, मतलब
थोड़ी बहुत ही डिफिकल्ट थी बट हमने मैनेज किया और टीचर्स ने भी बहुत सहयोग किया, मतलब हमारी हेल्प की और इतने अच्छे नंबर आए। अगर अगर मतलब बोर्ड्स होते तो और भी अच्छे आते। ऑनलाइन करने में मतलब आईज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं तो इस कारण मतलब कंसंट्रेशन कम डलती है मतलब फ़ोन में लगातार, बट हमने और हमारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की हमारी तो हम अचीव कर पाए अपने गोल्स। हाँ, इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बट स्टिल लाइक अगर तुम कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हो सो यू कैन अचीव दैट। कभी गिना नहीं बट जब मन करता था तब काफ़ी कंसिस्टेंटली स्टडी करते थे और बस और एक्सरसाइज बहुत रेगुलर करते थे। जज विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या फिर cbseresults.nic.in ते जाके अपना 10वीं का नतीजा देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भी नतीजा देखा जा सकता है जिन्हों के विच digilocker.gov.in और उमंग ऐप भी शामिल ने। फ्रंटवर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ।